और चीन की सीमा पर जो हमारे सैनिक अपनी जान की कुर्बानी देकर के हमारे देश की हिफाजत करते करते उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है, आज उन्हीं के शहादत पर खड़िया जिला कांग्रेस पार्टी 2 मिनट का मौन रखी है, शोक सभा का आयोजन किया है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। हम इस शहादत दिवस पर उन वीर सपूतों को सलाम करते हैं और खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे वीर सपूतों के कारण ही आज भारत देश सुरक्षित है। जो भारत चीन के सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तथा भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि उनके परिजन को जीवन यापन के लिए समुचित मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चे पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। यही खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं। खगड़िया जिला की कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है हमारे देश में जो 20 जवान शहीद हुए हैं चीन के साथ झगड़ा में, तो आज उनके शहादत दिवस मनाने के लिए जो है हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हम लोग जो है 2 मिनट का श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम लोग सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो भी जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार को अविलंब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कुछ दिन बीत जाने के बाद जो है इन लोगों के परिवार जो है दर दर भटकते रहते हैं लेकिन उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले साल जो है उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, उन लोगों के लिए जो है ये चंदा भी इकट्ठा किया गया लेकिन उन लोगों को आज तक जो है कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम महिला कांग्रेस खगड़िया के द्वारा जो है हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि उनके परिवार को अविलंब मुआवजा देने का प्रयत्न करें, हम लोग का यही मांग है।